नमस्कार। आज ये संडे है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अध्यात्म ग्रहसे। आज अपन बात करेंगे कि भारत में ऐसा वो स्थान कहाँ है जहाँ पांडवों ने द्रौपदी के साथ सशरीर स्वर्ग की यात्रा की थी। वो स्थान आपको पता है? भारत में ही वो स्थान है जहाँ से पांडवों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। वो कौन सा स्थान है, आइए देखते हैं। वो स्थान जहां से पांडवों ने सशरीर की थी स्वर्ग की यात्रा। देखिए आप, मान्यता है द्वापर युग में इसी स्थान से पांडवों और द्रौपदी ने राजपाट त्याग कर यह यात्रा की थी। जब महाभारत का युद्ध हो चुका था और पांडवों को अपना राज्य मिल चुका था, फिर जब राजपाट त्याग कर पांडवों ने द्रौपदी सहित एक यात्रा स्वर्ग की प्रारंभ की थी, परंतु इस यात्रा में सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही सफल हो पाए थे। इस बात को नोट करना, पांचों पांडव भाई और द्रौपदी के साथ में सबने यात्रा शुरू की थी, लेकिन सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ एक स्वान था, उन्होंने ही वो यात्रा पूरी की थी। बाकी चारों भाइयों ने और द्रौपदी ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया था। सफल हुए थे उनके अन्य भाई और द्रौपदी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था, लेकिन धर्मराज का साथ एक स्वान ने दिया था। लास्ट तक धर्मराज का साथ एक स्वान ने दिया था। एक मान्यता है, उसमें लिखा हुआ है कि स्वान ने धर्मराज का लास्ट तक साथ दिया था। इसके बाद धर्मराज स्वान के साथ पुष्पक विमान से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। देखिए, धर्मराज ने स्वान के साथ में पुष्पक विमान से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अब वो जगह भारत में कौन सी, ये देखिए, वह जगह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपने उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ धाम के पास वह जगह है, मौजूद है। उस जगह को स्वर्ग रोहिणी जगह भी कहा जाता है। देखिए आप, वही ये स्वर्ग रोहिणी जगह है, यहीं से ही धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ में और द्रौपदी के साथ में स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की थी। इसको स्वर्ग रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब देखिए आप, ये समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पर वर्ष भर बर्फ ढकी रहती है। कहते हैं यहां पर वर्ष भर बर्फ ढकी रहती है। लोग जब यहां पर यात्रा के लिए जाते हैं तब मई से अक्टूबर के बीच में इसकी यात्रा का सबसे बेस्ट समय माना जाता है, बीच यात्रा को उपयुक्त समय माना जाता है। कहते हैं अभी भी लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए यहाँ पे, लेकिन कहा जाता है कि इस यात्रा में साथ देने के लिए आज भी स्वान आते हैं। देखिए आप, आज भी लोग इस यात्रा में जाते हैं तो रास्ते में उनको स्वान मिलते हैं। और ध्यान रखना, वहाँ पे अब ये कहाँ से आते हैं और कहाँ से जाते हैं किसी को पता नहीं पड़ता। ये स्वान कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं इनको पता ही नहीं पड़ता है। इसलिए भारत में, अपने भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था, लेकिन सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और एक स्वान उनके साथ में वही स्वर्ग में जा पाए। उनके अलावा ये चारों भाई और द्रौपदी ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया था। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे अध्यात्म से जुड़े विषय में आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।